मल्लिकार्जुन खड़गे के, अगर मोदी 2024 में सत्ता में आए तो भारत में अब चुनाव नहीं होगा वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा कि ये आधारहीन आरोप है और अशांति पैदा करने के मकसद से दिया गया बयान है। उन्होंने कहा, यह सच है कि भारतीय राजनीति में कई चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हो गई और अब लोकतंत्र का चोला ओढ़ने वाली की सत्ता को चुनौती मिल रही है। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वालों की हार हुई है। उन्होंने एक एक का नाम गिनाते हुए कहा, कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार हारा, अशोक गहलोत का बेटा चुनाव हारा, यूपी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव हारी, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी और परिवार के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे यह सही है कि अब जनता के सामने राजवंशों के लिए लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करना संभव नहीं होगा। भारत का हर एक मतदाता अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जीरो वोट पाकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जहां 16 कमेटियों में से एक ने पट्टा भी सितार मैया और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था, बाकी सभी वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। जवाहरलाल नेहरू को तो जीरो वोट मिला था, इसका जिक्र कई किताबों में है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, जिन्होंने खुद कहा कि सोनिया गांधी ने उनका नाम पीएम के लिए सामने रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दावा किया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने लोगों से भाजपा और आरएसएस से दूरी बनाने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि वे जहर के समान हैं। खड़गे ने कांग्रेस की सभा में कहा, यह भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों के पास आखिरी मौका होगा। अगर नरेंद्र मोदी एक और चुनाव जीते हैं तो देश में तानाशाही होगी। भाजपा भारत में उसी तरह शासन करेगी जैसे पुनित रूस में कर रहे हैं।